हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेल्पफुल एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का, जो है आप पासपोर्ट कैसे फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो अगर आपको कोई भी कमेंट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करें। अगर फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी प्राप्त करना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हेल्पलाइन नंबर दे चुका है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, या फिर आप इस नंबर पर कॉल लगाएगा, ओके, आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादातर स्विच ऑफ ही आ रहा है, तो आप अपना प्रयास करते रहें। ओके, तो ये कभी ना कभी कॉल लग जाएगा। ओके, डायरेक्ट आप यहाँ मेल कर सकते हैं, मेल पर आपको हो सकता है तुरंत रिप्लाई मिल जाए। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि आप पासपोर्ट कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पेज पर आपको आ जाना है bkseo.online.in। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन लॉग इन है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको लॉग इन यूजर नेम और पासवर्ड याद है तो यहाँ पर सिंपली आप यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपको इंटर करना है। और ये जो कैप्चा आपको शो कर रहा है, कैप्चा आपको इस बॉक्स में इंटर करके आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ़ यू हैव लॉस्ट योर लॉग इन पासवर्ड, तो यहाँ पर रीसेट लॉग इन पासवर्ड है। ओके, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने का तो कुछ समय वेट करना है। ओके, चलिए तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट पासपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है दसवीं का रोल नंबर आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर आपको इंटर करना है। ओके, किस साल आप पास हुए हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट बोर्ड आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। जो भी आप अप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिए थे वो यहीं आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद बारहवीं का रोल नंबर आपको इंटर कर देना है। उसके बाद बारहवीं उत्तीर्ण वर्ष आपको यहाँ पर इंटर करना है। ये जो आपको कैप्चा शो कर रहा है, कैप्चा आपको इस बॉक्स में देना है। इस बॉक्स में देने का गेट लॉगिन और पासवर्ड को क्लिक करना है। ओके, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो है यूजर नेम तो पहले का ही रहेगा और आपको पासवर्ड यहां पर मिल जाएगा 5 अंक का, जिसे आप यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके, सिंपली आपको लॉगिन करने के लिए आपको जैसे ही पासवर्ड मिल जाता है आपके मोबाइल नंबर पर, ओके, हो सकता है तो ईमेल आईडी पर भी मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा ही आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करने के लिए फिर से आप यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन है, इस पर आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। ओके, और आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो फॉर्म कैसे भरा जाता है मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कीजिए लाइक, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। थैंक यू फ्रेंड्स।